कुंभ की खबर से दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बेहद खास है, आज माघ पूर्णिमा के पावन मौके पर। डुबकी लगा रहे अनुमान है कि आज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। कुंभ की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक माघी पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा का दिन देवताओं के गृह बृहस्पति के आवाहन का दिन होता है और इस दिन पवित्र घाटों पर तीर्थयात्रियों की संख्या इस विश्वास के साथ बढ़ जाती है कि इस दिन देवलोक से देव गंधर्व सभी स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। तो प्रयागराज कुंभ में माघ पूर्णिमा पर आज 5वां दिव्य स्नान है और सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे। करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। सुबह से ही संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पहुंच रही है। प्रयागराज कुंभ में माघ पूर्णिमा पर ये 5वां दिव्य स्नान है। कहा जाता है माघ पूर्णिमा के दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति के आवाहन पर स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर देवता रूप में आते हैं और स्नान करते हैं, तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। तो 5वां दिव्य स्नान सुबह से ही जारी है। करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु आज डुबकी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान भी धरती पर उतरते हैं और रूप बदलकर स्नान करते हैं, तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक शाही स्नान थे उसमें वो भाग नहीं ले पाए थे, तो आज का दिन उनके लिए बेहद खास है क्योंकि आज है माघ पूर्णिमा और इसका अपना ही एक अलग महत्व है। 5वां दिव्य स्नान आज तमाम श्रद्धालु करने संगम का रुख कर रहे हैं, प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। दिव्य संयोग है आज ये माना जाता है माघ पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान कर आप इच्छित मनोकामना मांग सकते हैं और उसे भगवान पूर्ण करते हैं। गंगा जल का स्पर्श भी अगर आज के दिन आप कर लें और भगवान को याद कर लें तो उससे ही पुण्य का फल मिलने की बात कही जाती है। प्रयागराज कुंभ में माघ पूर्णिमा पर 5वां दिव्य स्नान चल रहा है। करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। सुबह से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक माघी पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। माघी पूर्णिमा का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति के आवाहन का दिन माना जाता है और इस दिन पवित्र घाटों पर तीर्थयात्रियों की संख्या इस विश्वास के साथ बढ़ती है कि इस दिन देवलोक से देव गंधर्व सभी स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं।